हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेज। आज के वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए और इस सेशन में आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि अब मैं आपका चैप्टर वाइज VVI टॉप 20 क्वेश्चन लेकर प्रत्येक दिन आपके सामने रहूँगा। तो इस वीडियो को देखना और शेयर करना ना भूलेंगे, और इस वीडियो को स्टार्ट से इन तक देखना ना भूलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका VVI क्वेश्चन है और ये कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बैंक से लेके आया हूँ और कुछ मेरा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपका लिखा हुआ है स्क्रीन बोर्ड पे, चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए सेशन को ज़रा मज़ेदार करते हैं और थोड़ा सा गर्म करते हैं। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक्स पर VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन बोर्ड पर आपका क्वेश्चन का चार विकल्प दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मज़ेदार ढंग से करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिए गए चित्र में 2 माइक्रोफैराडे वाले संधारित्र पर आवेश क्या होगा। यहाँ पर जो है ये हमारा जो है ना, ये हमारा है C1 और ये हमारा जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है C2। और चित्र में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि C1 का जो वैल्यू है ये है 2 माइक्रोफैराडे और आपका ये C2 का जो वैल्यू है ये हमारा है 3 माइक्रोफैराडे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इस चित्र में पहला जो कैपेसिटेंस दिया हुआ है उसी का हमारा आंसर बताना है। चलिए हम बढ़ते हैं इस सेशन में और इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा बाबू, ठीक है, क्योंकि यह काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए और ये सब क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछता है और ये क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए VVI साबित होगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कि यहाँ हमारा जो C1 है 2 माइक्रोफैराडे वाले कैपेसिटेंस पर हमारा 36 माइक्रोकुलम आवेशित होगा यानी प्रवाहित होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कहता है आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ऑप्शन ए 0, बी है सतह के लंबवत, सी है सतह के स्पर्शी, डी है सतह से 45 डिग्री के कोण पर। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि किसी भी आवेशित चालक के सतह पर के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह 0 होती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी काफ़ी आपका धमाकेदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके सामने क्या है, कहता नीचे दिए गए चित्र में ए और बी के समतुल्य संधारित्र की धारिता यानी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमको निकालनी है पॉइंट ए और बी के बीच। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पहला 2 कैपेसिटेंस जो है हमारा, ये दोनों हमारा समानांतर श्रेणी में है, तो यहाँ पर ये दोनों के बदले हम कैपेसिटेंस लगा सकते हैं, यहाँ जुड़ जाएगा 3 दू हो जाएगा 5 और आपका यहाँ पर जो है ये है हमारा 4। ठीक है, तो ये दोनों हमारा सीरीज में हो जाएगा, तो इसके लिए क्या है कि हमारा जब दोनों सीरीज में आ जाएगा तो इसका इक्विवेलेंट, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो होगा सी इक्विवेलेंट बराबर जो होगा, इस फार्मूला पर बैठा दो आप C1 × C2 और बट्टा जो होगा C1 और प्लस C2। ठीक है, यानी कि हो जाएगा आपको 4 × 5, इस तरह से कर सकते हो इसका सॉल्यूशन कि हो जाएगा 4 × 5 और बट्टा जो हो जाएगा 4 + 5 यानी हो जाएगा 20/9, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे और अगला क्वेश्चन भी है, ये आपका काफ़ी VVI क्वेश्चन है, साबित होगा आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। कहता 10 माइक्रोकुलम से आवेशित किसी गोले के ऊपरी सतह पर कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बतानी है। ऑप्शन ए है 36 π × 4 Nm² per कूलम,
डी है 36 पाई 10^-4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, सी जो है 36 पाई 10^-6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और डी है 36 पाई 10^-6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो मैं चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताना चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा बाबू करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे, और ये क्वेश्चन आपका देखिए VVI क्वेश्चन है जी, है ना। कहता है विद्युत द्विध्रुव की गणना करें, यदि विद्युत द्विध्रुव जिसकी आवेश आवेश दिया हुआ है 3.2 × 10^-19 कूलम, और एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है, और बीच की दूरी 2.4 × 10^-10 मीटर है, तो बताइए कि डायपोल मोमेंट क्या होगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है बी नंबर आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, और देखिए 6 नंबर क्या है। वैद्युत स्थैतिकी क्षेत्र है क्या कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, इनमें से कोई नहीं आपको बतानी है इस क्वेश्चन का। ये आपका कंजर्वेटिव यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है कंजर्वेटिव होता है। चलिए ये आपका क्वेश्चन बाबू VVI साबित होने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए VVI साबित होगा। कहता है कि 64 एक समान बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण करता है, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको, ये आपका VVI क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। चूंकि ये क्वेश्चन है ना मैं काफ़ी सिलेक्ट करके लाया हूँ, और ये आपके एग्जामिनेशन में आपका धमाकेदार साबित होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना है कि इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपका। कहता है 64, ठीक है, 64 एक समान बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराडे है और मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन का आंसर, कि क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ये 7 है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सी होगा, 20 माइक्रोफेराडे होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी धमाकेदार साबित होने वाला है। कहता है एक सुचालक का सतही आवेश घनत्व सिग्मा है, तो उसके नज़दीक विद्युत क्षेत्र क्या होगा। σ/2ε₀, σ/2ε₀, सी जो है 2σ/0, डी जो है 6/3ε₀। क्वेश्चन नंबर 8, इसका मैं सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर ये होगा बी, 6/ε₀। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये भी क्वेश्चन आपका धमाकेदार साबित होने वाला है। कहता है एक आइसोलेटेड चालक के नियतांक के लिए कौन सा अनुपात सत्य है। ए कुल आवेश बटा विभव, बी कुल आवेश बटा विभवांतर, सी कुल आवेश का होल स्क्वायर बटा विभव, डी है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर बाबू ए होगा, कुल आवेश बटा विभव होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन के लिए VVI साबित हो सकता है। कहता है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक अक्ष की ओर है तब समविभवी यानी कि पोटेंशियल की दिशा क्या होगी। तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, YZ में होगी, YZ प्लेन में होगी। चलिए अब क्या है हमारा ये 11, 11 नंबर कहता है एक स्थायित कुलम कितने कुलम के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए है 3×10^9, बी है 3×10^-9, सी जो है 1/3×10^9, डी जो है 1/3×10^-9। तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, 1/3×10^9। और ये देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका, ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये धमाकेदार साबित होगा। नीचे दिए गए चित्र ए और बी के बीच, ए और बी के बीच आपको समतुल्य संधारित्र की धारिता बतानी है। इस तरह ये कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो मैं इसका कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ये भी क्वेश्चन आपका देखिए धमाकेदार साबित होने वाला है। कहता यदि एन संधारित्र जिसके धारिता प्रत्येक का एक समान है, पहले समानांतर क्रम में तब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों क्रम की धारिता का अनुपात क्या होगा।
तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, एन स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा सूत्र क्या है, यानी डायमेंशन सूत्र से आपके एग्जामिनेशन में एक या दो क्वेश्चन एकदम अनिवार्य है जी, इसे देख लेंगे। प्रत्येक चैप्टर का आपको बीमा का सूत्र याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का मैं ऑप्शन नंबर ए करना चाहता हूँ, MLT इनवर्स टू इनवर्स वन। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तब इसकी त्रिज्या बढ़ती है, घटती है, समान रहती है कि शून्य हो जाती है। तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि ये बढ़ती है। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आपका काफ़ी VVI क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। दिए गए चित्र में देखिए क्यू पर कुल आवेश शून्य, यानी कि क्यू जहाँ जहाँ क्यू है इस पर आवेश कुल बल शून्य है, तब क्यू बटा क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा, 2√2 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्यू पर नेट फोर्स है वो शून्य है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका 17, ये भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आवेशित गोले के भीतर कुल विद्युत क्षेत्र के मान क्या होता है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट की शून्य की एप्सिलॉन नॉट सिग्मा की डी है सिग्मा स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट। चलिए ये क्वेश्चन आपका धमाकेदार साबित होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 17 का बी आंसर होगा, शून्य। यानी कि अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए तो धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा, समान रहेगा, घटेगा या नवदीज। बढ़ेगा जी। अब क्या क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, कहता किसी खोखले गोले के भीतर क्यू आवेश रख दिया जाए तो कुल फ्लक्सों का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए क्यू एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर बी होगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये क्वेश्चन जो है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, ए वेबर, बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, सी न्यूटन पर कूलम, डी जो है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो मैं ये क्वेश्चन का आंसर बताना चाहूँगा, बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखना ना भूलिएगा, और ये मैं काफ़ी सिलेक्ट करके ले आया हूँ, और इसी तरह से आपका जितना भी फिजिक्स का चैप्टर है उसमें से 20-20 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और इस अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए कि आपका ये क्वेश्चन कैसा लगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, और जोश लगन को कायम रखना है।